नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी को जल्द लागू करने के लिए लगातार लगी हुई है। जीएसटी परिषद की 7वीं बैठक में जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून पर चर्चा की गई। लेकिन बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर कुछ हद तक सहमति बन गई है, लेकिन दोहरे नियंत्रण पर सहमति नहीं बन पाई। सरकार इस पर सभी राज्यों की सहमति बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। 22 से 23 दिसंबर को चली परिषद के बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के मुआवजे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई है। ड्राफ्ट ऑफ सीजीएसटी एंड द एसजीएसटी लॉ कंप्राइजिंग ऑफ 197 प्रोविजंस एंड 5 शेड्यूल्स has been approved. States will be compensated to the extent of 100% of loss which is directly attributable to GST implementation for a period of 5 years. And therefore, we had already spent 2 or 3 days discussing the compensation package. GST लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई हर 2 माह में की जाएगी। इस पर सहमति बनी है। मुआवजे का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करके उसे मंजूर किया गया है। द मेन आइटम इज ऑफ कोर्स द आईजीएसटी एंड द ड्यूअल एम्पावरमेंट इशू। द सेकेंडरी इज द लीगली वेटेड लैंग्वेज विच विल बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग एंड फॉर दिस पर्पस विल बी अगेन मीटिंग फॉर 2 फुल डेज ऑन द 3rd and 4th of January for this purpose. काउंसिल की अगली बैठक 3 और 4 जनवरी को होगी। राज्यों को क्षतिपूर्ति से जुड़े बिल पर भी केंद्र राज्य सहमत हो गए। जिन राज्यों को जीएसटी से राजस्व में नुकसान होगा उन्हें 5 साल तक 100% मुआवजा मिलेगा। क्षतिपूर्ति की रकम हर 2 महीने में जारी होगी। पहले हर तिमाही का प्रावधान था। इस कानून को अब सिर्फ संसद की मंजूरी की जरूरत है।